सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत कर रहा हूँ और आज हूँ मैं मॉल ऑफ इमरेट्स में। मॉल ऑफ इमरेट्स में मेरे ख्याल से आपने मुझे इसके पहले शायद नहीं देखा होगा, इसके ब्लॉग मैंने नहीं बनाए जहाँ तक मुझे लगता है। तो फिलहाल मैं आपको दिखाऊँ इस वक्त मैं कहाँ एग्जैक्टली हूँ। मॉल ऑफ इमरेट्स के ग्राउंड फ्लोर पर हूँ और ये है इसकी दिवस, जो कि यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट फेमस मतलब एक डेस्टिनेशन है, जो कि मॉल ऑफ इमरेट्स में एक यूनिक कह सकते हैं कि चीज़ है। देखिए जो नीचे दिख रहा है स्नो है, ये सारे आप जो देख रहे हैं ये रियल स्नो है, ठीक है। और यहाँ से लोग जो है ना स्की वगैरह करते हैं, बहुत से यहाँ पे एक्टिविटीज़ हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे। पब्लिक यहाँ पे आप देखिए ड्रेसेस जो उन्होंने पहन रखे हैं, ये टोटल अभी गर्मी का टाइम है, जैसा कि आपको पता है कि तीन जून है और 3 जून में लोगों को इसके अंदर इतना टेम्परेचर लो है जिसकी वजह से पूरी ठंडी के कपड़े पहनने पड़े हैं, जैकेट। आप देख सकते हैं पहाड़ी जैसा इन्होंने लुक दिया और ये कुछ पेड़ वगैरह जो पहाड़ी पेड़ होते ना ठंडे इलाके के, तो वैसे ही कुछ यूँ कह सकते हैं कि कनाडा वगैरह, रसिया वगैरह या फिर स्विट्जरलैंड वगैरह क्या है। तो पब्लिक यहाँ पे कितना इंजॉय कर रही होगी, ऑब्वियसली दो राय नहीं है। सो यू कैन सी डैट द पीपल आर जस्ट वेयरिंग ए विंटर वेयर बिकॉज ऑफ द रीज़न दिस टेम्परेचर ऑब्वियसली विल बी माइनस। अगर माइनस नहीं होगा तो जाहिर से बात है कि ये मेल्ट हो जाएगा। सो लेट्स मूव ऑन। सर ये मॉल के अंदर जो है ना, मॉल के अंदर है और इसके अंदर और इस पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर वो भी है, क्या बोलते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शायद कुछ इसमें दिखा रखा है कि क्या क्या। तो वर्जिन मेगा स्टोर, ये बहुत ही बेहतरीन स्टोर होता है और ये है मॉल ऑफ इमरेट्स। मॉल ऑफ इमरेट्स के और भी ऊपर फ्लोर्स हैं, लेट्स गो अपस्टेयर। फिलहाल मैं फूड कोर्ट ढूंढ रहा था मुझे कुछ खाने का दिल हो रहा है, जब मैं थोड़ा सा भूखा हूँ और ये रेस्टोरेंट में तो नहीं, ये प्रॉपर फूड कोर्ट में जाना चाह रहा हूँ। ये बहुत फेमस पॉल कैफे है, सो यहाँ पर जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ प्रॉपर फूड कोर्ट, लेट्स फाइंड इट। इधर ही है आई थिंक, ग्राउंड फ्लोर पर उस तरफ होना चाहिए। तो गाइस फिलहाल बने रहे ब्लॉग में। कल के ब्लॉग में मैंने आपको मरीना घुमाया था, आज मैं घुमा रहा हूँ मरीना से थोड़ा ही पहले पड़ता है और ये है मॉल ऑफ इमरेट्स। ये वन ऑफ द पॉपुलर मॉल में से है, दुबई के कुछ 4-5 मॉल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो कि मोस्ट विजिटिंग मॉल कह सकते हैं, जो कि उनमें से एक ये मॉल है। तो यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल देखते हैं। तो गाइस ये हो चुका है मेरा ऑर्डर और ये मिला है 31 दिरहम का, जिसमें सैटरडे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है एज यू नो दैट। तो गाइस फाइनली मेरा ऑर्डर आ चुका है। ये रहा फ्रेंच फ्राई जो कि थोड़ी स्पाइसी है, एक चिकन पीस है, कोलेसॉ है और ये बर्गर और ये कोक जो कि बड़ा है, लार्ज कोक। तो गाइस बहुत दिनों बाद फिलहाल खाने का मज़ा आएगा। अच्छी खासी भीड़, चलिए जब तक खाते हैं।
ये आप देखिए पब्लिक वहाँ ऊपर चढ़ रही है, यहाँ से ये रोपवे में जाने के लिए है शायद, ये देखिए। सो फिलहाल तो फिलहाल मैंने खा लिया और गाइस मैंने बहुत दिनों बाद KFC जो है अभी जाके खाया था, अपने मैंने आपको दिखाया, तो ये जो मेनू था ये इसमें मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, फ़र्स्ट टाइम खाया मतलब, तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं लगा। यहाँ पे एक अलबैक है तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था। लास्ट टाइम आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा अलबैक मैंने लिया था, तो अलबैक यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। पहले सऊदी में था वो और उसके बाद यहाँ पे दुबई में भी आ गया, तो ऑलमोस्ट सभी मॉल में धीरे धीरे ओपन हो गए, बट वहाँ भीड़ हमेशा ही बहुत ज़्यादा होता है। तो गाइस इसके वजह से जो है ना मैंने अलबैक को अवॉइड किया, स्किप किया और KFC खाया, ठीक है अच्छा लगा, नो प्रॉब्लम। तो ये रहा हैमले, बहुत ही पॉपुलर टॉय शॉप है और बच्चों के लिए मतलब बच्चों का हो सकता बहुत फेवरेट जगह कह सकते हैं। ये शॉप्स जो होते हैं ना बहुत ही अच्छे होते हैं, तो देख सकते हैं। हैमले में तो नहीं जा रहे हैं, तो गाइस ये आप देख सकते हैं बच्चों के जो है स्ट्रॉलर्स हैं और यहाँ पे कुछ डिस्काउंट ऑप्शन दिखा रहा, ये बच्चों का ही शॉप है, ओनली किड्स क्लॉथ्स लिखा हुआ है, मॉम्स स्टोर ऑल थिंग्स बेबी। तो चलिए अभी अपस्टेयर जाएंगे, फिलहाल अजान हो रहा, वर्जिन मेगा स्टोर, लेट्स गो, एटलीस्ट इसमें चलते हैं और इसमें देखते हैं क्या मिलता है। तो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मैं ब्लॉग का कल एंड नहीं कर पाया जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी फ़ोन की बैटरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो गाइस ये नेक्स्ट डे मैं ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ, एंड पार्ट शूट कर रहा हूँ। तो गाइस बस बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस तरह से ब्लॉग में सपोर्ट करने के लिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे और इसी तरह से मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाता रहूँगा। तो गाइस ये कुछ में ज़्यादा कुछ नहीं था, जस्ट रेंडम मैं किसी काम से गया था उधर, मतलब ऑफिस में कुछ ऑफिशियल वर्क के थ्रू के रीज़न से गया था, तो वहाँ पे एक ब्लॉग बना दिया था गाइस। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें, बाय बाय।